नमस्कार दोस्तों, मैं नितिल उपाध्याय आज फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, सारी अपडेट मैं लेकर आता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट जो दिल्ली के अंदर जिस प्रोजेक्ट की डिमांड होती है उस प्रोजेक्ट की हमेशा मैं वीडियो आप सभी के पास लेकर आता हूं और अच्छी अपडेट लेकर आता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आ चुका हूं एशिया के बिगेस्ट होलसेल मार्केट सदर बाजार में। जी हां, दिल्ली के दिल में सदर बाजार में आज मैं आ चुका हूं, पुरानी दिल्ली सदर बाजार। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देविका ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मेरे पास काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी पहले कि छोटे टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे को, तो छोटा टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, वो भी अच्छे रिटर्न और एप्रिसिएशन के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको सारी अपडेट मैं देता हूं। को स्टार्ट करता हूं तो प्रोजेक्ट पे आने से पहले मैं पहले लोकेशन की बात कर लेता हूं। तो सदर बाजार एशिया का बिगेस्ट होलसेल मार्केट है। यहां पर मतलब भारत के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं, जिनका जो बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, तो उनका सारा कारोबार यहीं से चलता है, सदर बाजार से। तो सदर बाजार में डेली का फुटफॉल 4-5 लाख लोगों का डेली का फुटफॉल होता है यहां पर। लेबर्स को हटा के अभी बता रहा हूं मैं आपको, अगर लेबर्स को इंक्लूड करूं तो काफी ज्यादा फुटफॉल हो जाएगा। और यहां पर आपको जो मतलब सदर बाजार आप भी आए होंगे, जाहिर सी बात है काफी फेमस मार्केट है, तो सदर बाजार में आप भी आए होंगे तो यहां पर आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी होगी। जैसे सबसे बड़ी बात पार्किंग को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सदर बाजार पुरानी दिल्ली में। उसके बाद हमारा आता है एक बैठ के खाने पीने का सिस्टम, जो कि आपको पूरे सदर बाजार में कोई भी ब्रांड का आउटलेट नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट, एनडीएमसी और देविका ग्रुप मिलकर आप सब की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, पूरा देविका ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है देविका सदर बाजार के नाम से प्रोजेक्ट है। और काफी लोगों की ये भी डिमांड थी कि मेरे को छोटे साइज की टिकट साइज, मतलब छोटे टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट बताओ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें आप मात्र 28 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है, वो भी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, जिसमें सीसी ओसी दोनों रिसीव्ड हो चुके हैं, आपकी ना कोई जीएसटी लगेगी और पहले दिन से डे वन से आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए प्रोजेक्ट पे मैं अब स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट का। तो लोकेशन मैंने बता दिया, तो लोकेशन सदर बाजार में कहाँ रहेगी बताता हूँ। सदर बाजार में ओल्ड टांगा स्टैंड हुआ करता था, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ओल्ड टांगा स्टैंड है, जो पुराने जमाने में टांगा स्टैंड हुआ करता था, उसी टांगा स्टैंड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और कुतुब रोड है ये, आप देख रहे हैं ये न्यू कुतुब रोड है, सदर बाजार के अंदर कुतुब रोड है। और प्रोजेक्ट के अपोजिट आप देखें तो एटीएम है कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम है। तो ये आपकी लोकेशन रहने वाली है सदर बाजार इस प्रोजेक्ट की। तो आइए अब मैं प्रोजेक्ट बताता हूं। तो अब जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट से पहले मैं देविका की बात कर लेता हूँ बिल्डर की। तो बिल्डर भी काफी पुराने बिल्डर है और दिल्ली में अच्छा खासा इन्होंने अपना नाम बना रखा है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखते हैं तो काफी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर्ड कर रखे हैं कमर्शियल। तो इनका अगर आप देखेंगे तो सदर बाजार में ये 2019 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और एस पर रेरा जो टाइम था उससे टाइम से पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवरी दी है। तो बिल्डर का भी आप देख सकते हैं कि बिल्डर भी जेन्युइन है, काफी सारे प्रोजेक्ट और बना चुके हैं। और अभी जो इनके जो अभी कुछ लॉन्च हुए हैं प्रोजेक्ट, अभी लॉन्चिंग में भी है, लॉन्चिंग में, तो
अब वो सारे प्रोजेक्ट गोवा के अंदर लेकर आ रहे हैं ये। अगर उसमें गोवा में आपको प्लॉट्स और विलास वगैरह भी चाहिए हो तो मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं देविका सदर बाजार की। तो सदर बाजार का जो ये पूरा एरिया है वो आपका 1600 गज में ये प्रोजेक्ट बना है, जिसमें -2, -1 और सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर की कार पार्किंग बना के दे रहे हैं NDMC को। जी हाँ, जो लैंड है वो NDMC की है और जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो देविका बिल्डर बना रहा है। तो इन दोनों का कोलैब हुआ है। मैं बताता हूँ किस तरह से ये PPP मॉडल पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। इसमें क्या होता है कि जो लैंड होती है वो NDMC की है। यहाँ पे पहले गाड़ियां पार्क होती थी, देविका बिल्डर ने इसको NDMC को मल्टी लेवल कार पार्किंग बना के दी है, जो कि बदले में दो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट बनाया है पूरा। आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, पिज्जा हट और ऊपर इस्तारा ब्रांड्स हैं, जो कि काफी सारे मतलब ब्रांड्स ऑलरेडी वो लेके आ चुके हैं और ऑपरेशनल हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ, आप वीडियो में बने रहे, अभी मैं ऊपर भी लेके चलता हूँ आपको। तो अब मैं बताता हूँ, बेसमेंट 2, बेसमेंट 1 इसमें कार पार्किंग रहेगी जो कि NDMC को दी है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये फूड कोर्ट रहेगा और ऊपर उसके ऊपर आप देख रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, तो ये अगेन आपकी कार पार्किंग रहेगी जो कि 5 लेवल की मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो कि NDMC को दी गई है। और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इसमें फूड कोर्ट रहने वाला है, जो कि यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं कोने कोने से, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे आपको हाइजीनिक वॉशरूम, हाइजीनिक फूड कोर्ट मिलने वाला है कि हाँ, बड़े बड़े लोग भी आते हैं यहाँ पे तो उन्हें गेट टुगेदर के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो वो यहाँ पे बैठ के मीटिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा, आप देख रहे हैं तो पिज्जा हट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। और इस साइड देखेंगे तो ये बीकानेर का एरिया है, बीकानेर वाला भी इसमें आने वाला है, अगले 1 से 2 महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, वो भी फिट आउट पर ही है। पिज्जा हट हो चुका है और ये फिट आउट पर अभी चल रहा है बीकानेर वाला। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास दो ब्रांड्स हैं जो कि दोनों बड़े बड़े हैं। अगर बात करूं एरिया की तो 7700 स्क्वायर फीट में बीकानेर वाला इसमें है और पिज्जा हट की तो 6300 स्क्वायर फीट में आपका पिज्जा हट रहने वाला है। तो ये मैंने बता दिया है आपको ग्राउंड फ्लोर का। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देख रहे हैं तो सारा कंपनी है जो कि सारे ब्रांड्स लेके आई है। इसमें 7 से 8 ब्रांड्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो आप बोर्ड भी लगा हुआ है, वीर जी मलाई चाप वाला, रोल्स स्टूडियो, और आप देख रहे हैं चाय गरम। तो ये ऐसे काफी सारे ब्रांड्स ऊपर ऑपरेशनल हो चुके हैं। अभी मैं ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, एंड में बने रहे। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको प्राइस की, रेट क्या रहने वाला है और क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो रेट इसमें जो रहेगा ग्राउंड फ्लोर का 1,65,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इसमें रहने वाला है। और जो इसमें मिनिमम आपको साइज मिलेगा 25 स्क्वायर फीट का आपको साइज मिलेगा। अगर आप चाहें तो पिज्जा हट में अपनी यूनिट ले सकते हैं, यदि आप चाहें बीकानेर में तो बीकानेर में भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं बात करता हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होती है वो आपकी 41-42 लाख के आसपास की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपको 25 स्क्वायर फीट का एरिया मिलने वाला है। और इसमें आपको रिटर्न क्या आएगा, क्या रेंट मिलेगा, ये भी बताता हूँ आपको। तो 2 सालों तक आपको 12% का एनुअली रिटर्न मिलने वाला है, वो भी IDFC बैंक गारंटी के साथ। जी हाँ, ये नोट कर लें सर कि IDFC बैंक गारंटी आपको इसमें बैंक गारंटी दे रहा है रिटर्न में, क्योंकि अभी तक का जो भी प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से तो नहीं है कि जिसमें आपको कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट हो और वो उसमें बैंक गारंटी दे रहा हो रेंट की। तो 2 साल तक आपको 12% एनुअली रिटर्न मिलने वाला है और उसके बाद बीकानेर वाला 10% रिवेन्यू शेयरिंग पर आया हुआ है। तो बात करते हैं पिज्जा हट की, तो पिज्जा हट पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, 2 साल तक 12% आपका एनुअली आएगा, उसके बाद 8% का रिवेन्यू शेयरिंग पिज्जा हट के साथ है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको जो मिनिमम साइज मिलेगा वो 17 स्क्वायर फीट और 20 स्क्वायर फीट मिनिमम लेके चले आप, कि 17 स्क्वायर फीट भी ज्यादा बची नहीं, वो भी निकलने वाली है, एक आध यूनिट बची है। 20 स्क्वायर फीट आप देखेंगे तो 20 स्क्वायर फीट है। और मैं बात करूं प्राइस की तो 1,40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस फर्स्ट फ्लोर पे है।
और अब बात करता हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे आपकी क्या रहेगी, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी मिनिमम 28 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसमें आपको 28,000 रुपए मंथली रेंटल आएगा 2 सालों तक विद IDFC बैंक गारंटी के साथ, जो कि इसमें भी आपको बैंक गारंटी दे रहा है IDFC। उसके बाद आपको इस पर एस पर एक्चुअल जो भी एस पर एक्चुअल होगा वो रेंट आपको डायरेक्ट ब्रांड से आएगा। तो ये सारी चीज हो गई। अब मैं बताता हूँ लीजिंग कितने टाइम के लिए है। तो बीकानेर वाला 18 साल के लिए इसमें आ रहा है, पिज्जा हट 15 साल के लिए आया हुआ है, और जो ऊपर के ब्रांड से स्टारा ब्रांड जो है वो आपका 15 साल के लिए वो भी आया हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी, जो आप कहते थे कि छोटे टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारी अपडेट जो भी डाउट हो कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें डायरेक्ट। अभी भी बारिश हो रही है, अगर आप देखेंगे तो सदर बाजार में इतना क्राउड है, बारिश के टाइम पे भी सदर बाजार में इतना क्राउड है। तो इस सदर बाजार का ये USP है इस प्रोजेक्ट का, कि सदर बाजार में ना ही कोई कॉम्पिटिटर है और ना ही कोई आपका कोई ब्रांड का आउटलेट ही नहीं मिलेगा। तो मॉल चलेगा या नहीं चलेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये रिस्क भी आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, ऑपरेशनल भी है, और यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसलिए मॉल चलेगा भी। तो आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी साइट विजिट वगैरह मैं आपकी करवाऊंगा, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नितिल उपाध्याय मेरा नाम है। हाँ, तो एक बात और बता दूं, जो इसमें पेमेंट का सिस्टम है आपका 1090 का पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान तो नहीं है, 10% आपको बुकिंग अमाउंट है जो 10% आपको मेरे को देना होगा। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आपको 90% पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी पेमेंट पूरी होती है उसी दिन से day 1 से आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा विद IDFC बैंक गारंटी के साथ। तो आइए मैं एक बार आपको अंदर से प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं पिज्जा हट ऑपरेशनल हो चुका है, और ये कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्ट ये दिखने वाला है। ये हमारा पिज्जा हट हो गया, तो ये देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पूरा रेडी हो चुका है। अब देखेंगे तो वीर जी मलाई चाप, मामा मिया ब्रांड्स जो आप देख रहे हैं, पराठा वर्ल्ड, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पूरा ऑपरेशन हो चुका है। ये देख रहे हैं मोती महल, चाय गरम, रोल्स स्टूडियो, और ये हमारा सिटिंग एरिया। मैं आपको सारी चीजें बता दी है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रहने वाला है, बिल्डर के बारे में बता दिया है, प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है, लोकेशन बता दिया, सदर बाजार के बारे में बता दिया, पेमेंट प्लान बता दिया है। अभी भी कोई चीज रह गई हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी साइट विजिट बुक करवाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नितिल उपाध्याय मेरा नाम है। बेस्ट रेट बेस्ट डिस्काउंट हमेशा मैं आप सभी को देता रहता हूं। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।